तो आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 स्टैंडर्ड। ये है टॉप सेलिंग वेरिएंट बुलेट 350 सीरीज़ का। इसी के साथ वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इसका डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं एंड देखेंगे क्या कुछ फीचर्स इस वेरिएंट में ऑफर होते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा बुलेट 350 स्टैंडर्ड लेना पसंद करते हैं। एंड अब न्यू क्लासिक 350 भी अनवील हो चुकी है, तो क्या आपको उसका वेट करना चाहिए या फिर तुरंत प्रभाव में बुलेट 350 स्टैंडर्ड ले लेनी चाहिए? तो इन सभी के बारे में बात होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 स्टैंडर्ड। इसमें दो कलर्स ऑफर होते हैं, ये है स्टैंडर्ड ब्लैक, ये है स्टैंडर्ड मरून। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड आज हमारे पास ये दोनों मोटरसाइकिल्स भी डिफरेंट हैं। ये है स्टॉक मोटरसाइकिल एंड ये है कस्टम बिल्ट वाया मेक इट यूअर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैजिंग मिल रही है मेक इट यूअर्स की। एंड इसमें आपको मिलती है विंटेज सीट एंड विंटेज टेल लाइट। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है एंड सबसे पहला रीज़न क्यों आपको बुलेट 350 स्टैंडर्ड लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी इसमें पुराना विंटेज फील आपको मिल रहा है। ये एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं जो कि आप मात्र 440 रुपये एक्स्ट्रा पे करके वाया कस्टम आप ये लगवा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ये मुझे लगा फीचर जो क्लासिक 350 में तो नहीं है, बुलेट 350 के सभी वेरिएंट्स में आप ये चेंज करवा सकते हैं। तो ये थी इसकी बात। अब आ जाते हैं हम प्राइसिंग पे। तो बुलेट 350 स्टैंडर्ड की एक्स शोरूम प्राइस है ₹1,97,500। एंड इस प्राइस पॉइंट पे आपको सबसे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलता है डुअल चैनल ABS। उसके अलावा ये जो दोनों कलर्स हैं ये बेस्ट हैं, मेटलिक कलर्स हैं। ये आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलता है, ये आपको मिलता है ग्लॉसी मरून, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा जो रॉयल एनफील्ड का पुराना ट्रेडिशन है हैंड पेंटेड पिन स्ट्रिप्स वाला, वो भी आपको बुलेट 350 स्टैंडर्ड में मिलता है। आप ब्लैक गोल्ड लेंगे तो उसमें आपको रोज़ गोल्ड में ये पिन स्ट्रिप्स मिलती हैं, मिलिट्री सिल्वर में सिल्वर फिनिश में पिन स्ट्रिप मिलती हैं, बट इसमें आपको वही पुरानी गोल्ड फिनिश में पिन स्ट्रिप्स मिलती हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है कि ट्रेडिशन अभी तक फॉलो हो रहा है बुलेट 350 स्टैंडर्ड में। तो जिनको रॉयल एनफील्ड की पुरानी वाली वाइब, जो ओल्ड स्कूल वाइब, जो OG वाइब है वो चाहिए, तो बुलेट 350 स्टैंडर्ड में आपको सभी चीज़ें भरपूर मिलने वाली हैं। तो ये थे मेन पॉइंट। प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है इस वेरिएंट की, क्योंकि अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। अब हम करते हैं डिटेल्ड वॉक अराउंड एंड देखते हैं और क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो फ्रंट यहाँ पे आपको काफ़ी बल्की मिलता है, यहाँ पे आपको दो टाइगर या फिर पायलट लैंप, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो मिलते हैं। इनको ऑन कर लेता हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। एंड इसमें आपको ये टर्न इंडिकेटर्स हैज़ार्ड वाला भी फ़ीचर मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, RE का लोगो है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। एंड इसकी लाइट भी काफ़ी अच्छी है। ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि भाई रात में इतना ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है, बट इसमें आपको अच्छा दिखेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस मिल जाती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और ये देखिए जो फिट एंड फिनिश है ना, वो OG रॉयल एनफील्ड इसी में ही मिलती है, असली लोहा विथ मेटलिक फिनिश, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए आप अपनी शक्ल भी देख सकते हैं इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी फिनिश में फ्रंट मडगार्ड है। कमिंग टू द व्हील, तो इसमें आपको OG है इसीलिए स्पोक व्हील मिल रहे हैं, वरना इसमें भी अलॉय व्हील आ सकते थे, बट जो आपको पुरानी ओल्ड स्कूल विंटेज वाइब चाहिए उसके लिए ये स्पोक व्हील काफ़ी अच्छे रहते हैं। और इसमें आपको ये सिल्वर फिनिश में स्पोक व्हील मिल जाते हैं। सेक्शन है 100x90/19 का, तो इसमें आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं, 19 इंच का व्हील है। तो इस वेरिएंट का एक ही फ्लो है, वो है इसके ट्यूब टायर्स, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ब्रेकिंग सेटअप शानदार है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, फाइबर के कैलिपर्स हैं, डुअल चैनल ABS इसमें आपको मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें बेस्ट हैं। उसके अलावा डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 1390 mm का व्हील बेस, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 805 mm की सीट हाइट, एंड इसका कर्ब वेट है 195 kg। तो थोड़ी सी भारी मोटरसाइकिल है एंड इसीलिए OG रॉयल एनफील्ड है। तो ये थी इसकी बात। इसमें आपको ट्विन डाउन ट्यूब चेसी मिल जाता है, इंजन इसमें आपको मिलता है शानदार रिफाइंड J-सीरीज इंजन है ये, 350cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 फेज 2 कंप्लायंट, एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 BHP पावर, 27 Nm टॉर्क। और इसकी अगर आपको परफॉर्मेंस वीडियो देखनी है तो ऊपर मैं लिंक दे दूँगा, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। और इस वेरिएंट में सबसे अच्छी बात है कि इंजन आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है, तो ये भी अच्छा लगता है। यहाँ पर डुअल टोन है तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, ये डार्क कलर है, यहाँ पे नीचे सिल्वर फिनिश है,
क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट मिल रहा है एंड इसमें कुछ एसेसरीज भी लगी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली लेग गार्ड है अगर आप बुलेट 350 लेते हैं, क्योंकि ये है एयरफ्लाई एंड इसमें आपको ये मिलता है सिल्वर एंड उसमें लगा हुआ है ब्लैक। तो सिल्वर की प्राइस है 4,500 का ये है। इसकी एक बार हेजार्ड लाइट बंद कर देते हैं। सो ये मिलता है 4,500 का एंड काफ़ी अच्छा लगता है ये दिखने में। ये वाला है ब्लैक, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, ये मिलता है आपको ₹3,950 में। तो ये था छोटा सा, मैंने बता दिया आपको ये एसेसरीज लगी हुई हैं, उसमें एक और एसेसरी है उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये थी इसकी बात एंड काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश है, बुलेट 350 का लोगो काफ़ी अच्छा लगता है और ये देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे भी पिन स्ट्रिप मिल जाती है आपको। इसके अलावा साइड प्रोफाइल देखिए शानदार लग रही है मोटरसाइकिल, और ये वाली है स्टॉक मोटरसाइकिल, इसकी साइड प्रोफाइल देखिए। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स अपनी जगह बेस्ट लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैंक की बात करते हैं तो 13 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है एंड ये पिन स्ट्रिप्स बेस्ट लगती हैं दिखने में। क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर है, यहाँ पे आपको यही मिलता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये एनालॉग स्पीडोमीटर है, उसके अलावा ये स्क्रीन है जिसका यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। USB चार्जर इसमें आपको मिल जाता है, तो मॉडर्न प्लस विंटेज दोनों चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन भी आप लगवा सकते हैं चाहें तो। उसके अलावा इसमें आपको काफ़ी अच्छा ये हैंडल बार मिल जाता है, ये थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा और बड़ा होता ना तो मज़ा आ जाता, बट फिर भी अच्छा पोस्चर मिलता है इसमें आपको। एंड स्विचेस यहाँ पे आपको मॉडर्न मिलते हैं, ग्रिपिंग लीवर इनकी क्वालिटी बेस्ट मिलती है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। क्रोम फिनिश में रियर व्यू मिरर मिलते हैं, तो ये भी प्रीमियम लगते हैं दिखने में। सीट की बात करते हैं तो इसमें मिल रही है ये पुरानी वाली विंटेज सीट, और इसका फील काफ़ी डिफरेंट है। ये आपको रिब्ड पैटर्न मिलता है इसमें एंड काफ़ी अच्छी लगती है। हालांकि रिब्ड पैटर्न उसमें भी मिलता है, वो है स्टॉक सीट, तो स्टॉक सीट कुछ इस तरह की मिलेगी। इसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कम्फर्ट ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है। एंड इस एसेसरी की भी बात कर लेते हैं, ये मिलता है बैकरेस्ट जो कि ₹2,700 का है, ₹2,700 का आप ले सकते हैं। इसमें ये माउंट अलग आएगा और ये पीछे का ये कुशन अलग से आएगा, तो ये एक बात है। सो ओवरऑल सीट की बात हो गई थी, अब हम आ जाते हैं इसके रियर पार्ट पे। तो ट्विन सस्पेंशन सेटअप मिलता है, पीछे वाला व्हील भी आपको स्पोक मिलता है एंड टायर का सेक्शन इसमें आपको मिलता है 120x80/18। सो 120 सेक्शन अच्छा है और ग्रिपिंग अच्छी मिलती है। उसके अलावा ये भी ट्यूब टायर आपको मिलता है। पीछे से अपीयरेंस देखते हैं, सो ये है विथ विंटेज टेल लाइट। तो इसमें देखिए विंटेज टेल लाइट के साथ कुछ इस तरह का अपीयरेंस मिलता है, सो अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है। इसमें देखते हैं, सो इसमें देखिए सेम सेटअप है, बट यहाँ पे देखिए ये स्टॉक लाइट आपको जो मिलती है कुछ इस तरह की मिलेगी। सो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड साइड गार्ड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है, सेंटर स्टैंड है, ये सब चीज़ें तो आपको मिलती ही हैं। सो अब मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा क्यों ये सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं लेना बुलेट 350 स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें प्राइसिंग अच्छी है, फीचर्स सारे अच्छे हैं और ये विंटेज वाला ऑप्शन भी अब आपको मिल रहा है। तो आप भी अब इसको कंसीडर कर सकते हैं, अभी क्या हमेशा से कंसीडर करने जैसा ही है। इसकी भी पायलट लैंप जला देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये। सो इसके हेजार्ड लाइट बंद कर देते हैं। अब देखिए दोनों मोटरसाइकिल्स कितनी बढ़िया लग रही हैं, और मौसम एकदम बारिश का हो रहा है। यहाँ पे देखिए पानी भी है, बारिश हो के चुकी है अभी, एंड बेस्ट ये वेरिएंट है, आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं ओवर द क्लासिक 350 एज वेल, क्योंकि क्लासिक 350 अब अपडेट होके आएगी, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी एंड उसमें थोड़े से फीचर्स भी ज़्यादा हैं, बट ये जो है ये है OG रॉयल एनफील्ड, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो में आपको अब सारे पॉइंट्स मैंने बताने की कोशिश की है क्यों आप इसको परचेज कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।